डियर टीम, आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे वो है ऑस्प्रो। ऑस्प्रो कंटेन्स ऑस्टिन मिनरल कॉम्प्लेक्स प्लस विटामिन डी। ऑस्प्रो हमारे पास टैबलेट और सस्पेंशन फॉर्म में अवेलेबल है। पता होना चाहिए कि कैल्शियम सप्लीमेंट क्या है। जिस्म में कैल्शियम की मुनासिब मकदार मौजूद ना हो तो यह हड्डियों में मौजूद कैल्शियम को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। जब रोज़मर्रा की खुराक हमारे जिस्म में कैल्शियम की ज़रूरियात पूरी ना कर रही हो तो ऐसे में कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इसमें मुनासिब मकदार में विटामिन डी भी मौजूद हो, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम को जज़्ब करने में मदद देता है। कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियों का कमज़ोर होकर टूटना, बच्चों में हड्डियों का टेढ़ापन, उनकी ग्रोथ स्लो होना, प्रेगनेंसी में बैक पेन का होना, ऑस्टियोप्रोसिस, हड्डियों का बुरबरापन यानी कि हड्डियों का खोखलापन। ऑस्टियोप्रोसिस की हमारी बॉडी के अंदर कोई खास अलामत जाहिर नहीं होती, जिसकी वजह से इसको साइलेंट डिजीज का नाम भी दिया जाता है। ऑस्टियोप्रोसिस की वजह से हड्डियाँ इतनी कमज़ोर, नाजुक, भुरभुरी हो जाती हैं कि हल्का सा दबाव पड़ने से, मुड़ने से, हत्ता के खांसने से भी हड्डी के फ्रैक्चर के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। हम ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोप्रोसिस, रिकेट्स, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और मीनोपॉज की कंडीशन के दौरान इस्तेमाल करते हैं। प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और मीनोपॉज के दौरान फीमेल्स में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ऑस्टियन मिनर कॉम्प्लेक्स प्लस विटामिन डी का कॉम्बिनेशन हड्डियों की मजबूती और बोन के बनने के अमल को इंक्रीज करता है। ऑस्प्रो बेसिकली बोन डेंसिटी को प्रमोट करती है। ऑस्प्रो में मौजूद विटामिन डी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। फास्फोरस कैल्शियम को बोन के अंदर प्रॉपरली फिक्स करता है। ऑस्प्रो में मौजूद ग्रोथ फैक्टर्स हड्डियों की क्वालिटी को इंक्रीज करने के साथ साथ बोन लॉस के अमल को रिड्यूस करते हैं। ऑस्प्रो में कोलेजन प्रोटीन है जो कि ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स की एक्टिवेशन में रोल प्ले करती है और ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को कम करती है, जिसकी वजह से पेशेंट्स में बोन फॉर्मेशन का प्रोसेस तेजी से होता है। इसके साथ साथ रेजिडुअल मिनरल भी प्रोवाइड करती है, जिनकी वजह से पेशेंट्स में ऑस्टियोप्रोसिस के खतरात को मिनिमाइज करने में मदद मिलती है। ऑस्टियोप्रोसिस एंड ऑस्टियोमलेशिया दो ऐसे अवामिल हैं जिनको हम रोक या ख़त्म नहीं कर सकते, उनको ऑस्प्रो की सप्लीमेंटेशन के थ्रू मिनिमाइज कर सकते हैं, जो कि लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने में मददगार साबित होते हैं।